नमस्कार। इधर जब अक्टूबर बहुत शांति से अच्छे से बीता और बड़ा खुशनुमा माहौल था, हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल साफ सुथरी हवाएं थी और बीच बीच में जो बरसते बादल थे उन्होंने बहुत खुशनुमा माहौल बना दिया था, लेकिन नवंबर में शुरुआत में ही जैसे ही दिवाली खत्म हुई उसके बाद लगता है कि जैसे प्रदूषण ने पुरानी दुश्मनी हमसे मोल ले ली है। और हालत ये हो गई है अब कि अभी नवंबर मध्य नहीं आया है तब भी ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है और कई जगह दिल्ली में और दिल्ली के आसपास 500 से ज्यादा AQI का स्तर हो गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ? और अभी तक हम ये देखते रहे हैं कि नवंबर के मध्य में इतना सब कुछ नहीं होता था, पहले के सालों में भी देखें तो नवंबर में इस तरीके से नहीं नजर आता था। ये बात सही है कि अक्टूबर हम लोगों की बहुत अच्छी बीती, जो कि पहले बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी, खास तौर से पराली जलने के का जो वक्त होता है उस कारण, लेकिन पराली जलने के साथ साथ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो सब चीजें बहुत अच्छी निपटी, लेकिन अचानक अब जो है ये सब बहुत खतरनाक स्थितियों पर हालात पहुंच गए हैं। इन सब पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो इनकी विशेषज्ञ ही नहीं है बल्कि वो इन सब को बहुत अध्ययन इसका करती रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुमिता रॉय चौधरी जी का, जो इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं और काफी लंबे अरसे से इस पर काम करती रही हैं। आप CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत आभार अनुमिता जी, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए सहमति जाहिर की। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया दिल्ली में जो अक्टूबर जो बहुत खराब मानी जाती थी प्रदूषण की दृष्टि से, वो अब थोड़ा बहुत स्थिति एकदम से गंभीर हो गई है? जी अनुमिता जी। जी आतु जी, आपने बहुत ठीक कहा कि अक्टूबर के महीना तो इतना अच्छा बीता, पर उसका भी एक कारण है कि अक्टूबर में इस बार हमने जो क्लाइमेट चेंज देखा है अक्टूबर में, कि जो बारिश इतने दिनों तक चली, और वो भी एक कारण था कि जो पराली जलती है हर साल जो अक्टूबर के महीने में ही शुरू हो जाती है काफी जोर से, इस बार वो थोड़ा कम था उस वक्त। और जब नवंबर का महीना आया और बारिश रुकी और जो सर्दी जो जाड़े की जो समस्याएं हैं, जो आब हवा में जो बदलाव आता है वो होना शुरू हुआ, तो दिवाली से हमने ये परिवर्तन को देखा कि दिवाली पटाखे तो बजे पर उसके साथ साथ उसी वक्त आब हवा में जो चेंजेस परिवर्तन हमने देखा कि कूल जिसको वो कहते हैं कि कूल काम कंडीशन की हवा की गति बहुत ही धीमी हो गई, और जो विंटर इन्वर्शन जो कितनी ऊंचाई तक हवा पहुंचेगी फैलने के लिए वो उसकी लेयर भी नीचे आ गए, तो जिसका मतलब हुआ कि हवा शहर में दबना शुरू हुआ और एक थम होना जो थम जाती है जो हवा, ऐसी एक सिचुएशन बनी। और इसके कारण अगर हवा दब जाती है तो उसके साथ साथ शहर में जो प्रदूषण हो रहा है वो भी दब जाता है, और यही कारण है कि जैसे अचानक हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, कोई हवा ही नहीं है कि इसको उड़ा के ले जाए। अब बात यह है कि दिवाली से लेके आज तक हम देख रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, उसे साफ नजर आता है कि किस तरीके से दिवाली से शुरू होकर आज तक जो एयर क्वालिटी है वो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कंटिन्यूसली वो सीवियर कैटेगरी में है। इसको तो हम हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण की जो परिभाषा है वो इस तरीके से जब लंबा चलता है कोई प्रदूषण का एपिसोड उसको स्मॉग एपिसोड कहा जाता है। अब इतने सीवियर पोल्यूशन में जब हम हैं अभी, वो हेल्थ इमरजेंसी है, और आपने सुना होगा कि
कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार या तो कोई इमरजेंसी प्लान लाए या शहर को पूरा बंद कर दे, ऐसी नौबत आ गई है आज शहर में। तो अब ये हमें ये बहुत सोचने की बात है, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग शोध जो रिसर्च हम लोगों ने अभी की है कि आपको शायद पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी अभी एक वो एक डेटा देती है कंटिन्यूअसली वो दिल्ली शहर के लिए कि हर वक्त किस तरीके से जो डिफरेंट प्रदूषण के जो सोर्सेज हैं वहां से उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे क्या है और कितना बदल रहा है, इसको आपको हर घंटा ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो हमने 24 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक ये डेटा को लेके हमने उसकी एनालिसिस की है और इससे दिख रहा है कि अगर आप सारे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को लेके दिल्ली की अपनी प्रदूषण और एनसीआर से जो प्रदूषण अंदर आती है और पराली से जो प्रदूषण अंदर आती है तो ये सब देखें तो बाहर से जो अभी प्रदूषण आ रहा था वो तो काफी हद तक ज्यादा था, ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा था। पर अगर आप सिर्फ दिल्ली के अपने प्रदूषण को देखें और वहां पे 8 सोर्सेस को देखा गया है तब उसमें दिखा गया कि गाड़ियां आज दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं, मोर देन 50% सिर्फ आप अगर आप दिल्ली की लोकल पोल्यूशन उसके अपने पोल्यूशन को देखें, यहाँ पे हम एनसीआर या पराली के प्रदूषण को जोड़ नहीं रहे। तो अगर दिल्ली के अपने प्रदूषण को अगर हम देख रहे हैं तो गाड़ियों की कंट्रीब्यूशन आज 50% तक चली गई है और इसका एक मुख्य कारण है कि जो एक एक्सप्लोसिव मोटराइजेशन जो हम कह रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि एक शहर में आज 1.3 करोड़ गाड़ियां हैं, इतने गाड़ियों की भीड़ और इसका एकमात्र कारण है कि जो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हमें बनानी थी, जो पैदल यात्री साइकिल यात्रियों के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वो अभी उस पैमाने में नहीं बना और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वेस्ट बर्निंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो लोग घर पे जो चूल्हा जलाते हैं ये सब मिलके आज ये एक प्रदूषण, ये एक स्मॉग बना है आज इस शहर में। आपने तो इतनी सारी बातें बता दी हैं और सब मुझे लगता है कि आफत आई है तो चारों ओर से आई है, लेकिन बहुत कुछ आफत हमारी खुद की क्रिएट की हुई है ये भी सच है। जब आपने ये बताया कि गाड़ियों का पोल्यूशन जो है वो 50% से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ये सब जो भी कारण बताए जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि ये नए कारण है। ये माना जा सकता है कि दिवाली के बाद की छुट्टियां, दिवाली और दिवाली के बाद छुट्टियों में लोग निकले और ज्यादा उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया, या लेकिन वो एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि विस्फोट हुआ होगा, या पूजा का वक्त था, रक्षा भैया दूज थी वगैरह वगैरह, उसमें निकले होंगे, ज्यादा निकले होंगे, ये माना जा सकता है, लेकिन ये पहले से होता रहा है और पहले से होता। आखिर क्या वजह है, मतलब एक दो वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं उस पर बाद में जाऊंगा, दो एक क्या पब्लिक के स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, पब्लिक बहुत नहीं उस पर ध्यान देती है, अरे पोल्यूशन है क्या फर्क पड़ता है, तो वो जो पंजाबी में की फर्क पैदा वाली स्थिति है वो है, या ये है कि सरकार और जो सरकारें हैं क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही काम करते हैं वो बहुत ध्यान नहीं दे पा रही। देखिए कारण तो काफी है, अब जो आप समझना होगा ये विंटर के समय, ये जाड़े के समय हर साल यही समय होता है जब हम देखते हैं कि प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसका जो कारण है, और ऐसा तो नहीं है कि विंटर में आके एकदम से प्रदूषण की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, कारण वो नहीं है, पूरी साल लगातार प्रदूषण हो रहा है इस शहर में, पर विंटर में जो होता है, जो मैंने बताया कि जो आब हवा में जो बदलाव आता है, जिस समय हवा की गति धीमी हो जाती है, कूल एंड काम कंडीशंस होती हैं, तो शहर में जो प्रदूषण ऑलरेडी हो रहा है वो दब जाता है और वो कहीं जा नहीं पाता, इसीलिए हम देखते हैं एकदम से अचानक इतना प्रदूषण शहर में इकट्ठा हो जाता है। अब इसको अगर हमें रोकना है तो सिर्फ
विंटर के समय कुछ टेम्पररी एक्शन या इमरजेंसी एक्शन से उसको हम नहीं रोक सकते। इमरजेंसी एक्शन लेने का एक ही मकसद होता है कि जब आग लगी गई है तब आप उसमें और भी तेल ना छिड़के। तो यही है इमरजेंसी एक्शन का मुद्दा। पर इमरजेंसी एक्शन जो टेम्पररी होता है, ड्रास्टिक होते हैं, वो सिर्फ एक अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और थोड़ा प्रदूषण को थोड़ा सीमित करने के लिए किया जाता है। पर अगर हमें हल ढूंढना है कि प्रदूषण को हम खत्म करें शहर में, तो पूरी पूरी साल हमें देखना होगा कि जहां पर भी प्रदूषण हो रहा है, अगर इंडस्ट्री में है, गाड़ियों में है, वेस्ट बर्निंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, तो ये सारे सेक्टर में क्या खामियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स में क्या गैप्स हैं जिसके कारण ये हो रहा है, और उसको हमें ठीक करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी विंटर प्लान के जरिए दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कोशिश करेंगे और अभियान चलाएंगे ताकि कहीं पर भी कोई गंदगी जलाया ना जाए। पर ये आपका कितना कर लेंगे अगर एक शहर में आज हमने जो वेस्ट को कलेक्ट करके और उसकी प्रोसेसिंग करके जो उसकी जो कैपेसिटी हमने बनाई है वो सिर्फ 47% है। आधा कूड़ा तो या तो ओपन में एक्यूमुलेटेड होता है या तो लैंडफिल में जाता है। तो अगर आप पूरी गंदगी को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे और उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे तो वेस्ट तो जलेगी। अब पर इसको आप ओवरनाइट सिर्फ विंटर के समय आप फिक्स नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से गाड़ियों की संख्या आज नहीं बढ़ी, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है शहर में, पर उसको रोकने के लिए जो सरकार के पास जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए थी कि बसें खरीदे, जो सिस्टम से उनको इंटीग्रेट करें, पूरा सिस्टम को सुधारें, उसको और भी पहले हमें कर लेना चाहिए था। तो प्रदूषण को कम करने के लिए जो उपाय है उसको, वो एक राउंड द ईयर एक्शन है जो पूरी साल भर हमें करना पड़ेगा, और विद कंप्लायंस, और ये जो चेंज है उसको हमें ठीक से एक कंप्लायंस स्ट्रेटजी के साथ हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तय है कि आप ये कह रही हैं कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता आया है। आप उसके कारण जानते हैं, आप उसकी बीमारी समझते हैं, लेकिन आप इलाज जो है वो बहुत अच्छा नहीं करना चाहते हैं। मतलब इलाज का ये हुआ कि अगर बुखार है तो सिर्फ पैरासिटामोल दे दिया और कर ले जाओ, हो गया काम। तो पैरासिटामोल से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि उसके लिए आपकी बॉडी में क्या गड़बड़ियां हैं, क्यों आपके बार 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 आपको बुखार हो रहा है, ये देखना होगा। और अगर ये बुखार आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब डॉक्टर कमजोर है। तो क्या ये जो जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर है, सरकार पर है, वो एक बहुत लंबे प्लान के साथ काम नहीं कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, क्या वो लंबे प्लान पे नहीं काम कर रही है? और आगे कर रही है तो बहुत हल्के फुल्के तरीके से कर रही है। आप क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं, करती रही हैं काम, आपको क्या लगता है और क्या इसका हल क्या है? देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि दिल्ली में कुछ हुआ नहीं है समस्या को सुलझाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आज, और ये एक बात है जो देश के जो बाकी शहर हैं उनको दिल्ली की जो ये एक्सपीरियंस है ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है, पर उसके साथ साथ दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पे सारे कोयले में चलने वाले पावर प्लांट को बंद किए दिए गए, जो बड़े इंडस्ट्रीज है उनको बाहर निकाला, जो अंदर की इंडस्ट्रीज है उनको नेचुरल गैस दिया गया, पुराने गाड़ियां हटा रहे हैं, सीएनजी पर पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो बाहर से ट्रक आती है उन पर रोक लगे हैं। ऐसे काफी एक्शन उन्होंने लिया है जिससे अगर आप लॉन्ग टर्म पोल्यूशन ट्रेंड को देखें दिल्ली में, तो लगातार प्रदूषण की मात्रा दिल्ली में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। पर ये सब करने के बावजूद भी जो प्रदूषण की मात्रा आज शहर में है वो ज्यादा है, और दिल्ली को और भी काफी कुछ करना होगा ताकि प्रदूषण की मात्रा को कम करके जो क्लीन एयर के लिए मानक बनाए गए हैं उसको वो मीट कर पाए। अभी भी कई जगह हैं जहां पे
काफी कुछ सुधार हमें लाना है, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियल एरिया में काफी इंडस्ट्रीज म्यूनिसिपल और अनऑथोराइज्ड एरियाज में है जो जो गंदे ईंधन पर चल रहे हैं, उसको आपको रोकना होगा, पूरी वेस्ट को खत्म करना होगा और गाड़ियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बनानी होगी। पर अगर दिल्ली के पोल्यूशन को कम, एक तरफ दिल्ली की अपनी जो एक्शन है उसमें और भी हमें सुधार लाना है और उसके लिए एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान चाहिए ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो और दिल्ली में जो आज पूरा जो ये अथॉरिटी जो बटा हुआ है, जो कुछ दिल्ली सरकार कर रही है, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कर रही है, कहीं कुछ एलजी के ऑफिस के जरिए हो रहा है, यहाँ पे एक पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। पर उसके बाद भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू जो रह जाता है वो है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के अपने प्रदूषण नहीं और सिर्फ पराली के पोल्यूशन नहीं, पराली तो सिर्फ इस वक्त जलता है पर साल भर में दिल्ली में दिल्ली के बाहर से भी प्रदूषण आता है और दिल्ली के पोल्यूशन भी बाहर जाता है। तो इसके लिए आज एक रीजनल एक्शन प्लान की जरूरत है। दिल्ली को सुधारने के लिए हमें हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब ये भी इनको भी हमें टैकल करना होगा। तो एक रीजनल लेवल पे सारे राज्य सरकारों को लेके एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की जरूरत है क्योंकि आज सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर आप पूरी इंडो गैंजेटिक प्लेन को देखेंगे, आज जो सीवियर पोल्यूशन आप दिल्ली में देख रहे हैं वो पूरी इंडो गैंजेटिक प्लेन में फैल रहा है। तो एक लोकल पोल्यूशन और रीजनल पोल्यूशन दोनों को लेकर हमें हमें अब काम करना होगा। जी मैं फिर इस चीज को जो बहुत बातचीत करने में, या ऐसा नहीं है कि ये जो बात आप कह रही हैं पहली बार कह रही हैं, हमें इंटीग्रेटेड काम करना होगा, हमें रीजनल प्लान पे काम करना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। आखिर क्यों, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास विज्ञानी नहीं है, हमारे पास समझ वाले लोग नहीं है, आप ऐसे विद्वान हैं यहाँ पर और ये समझ सकते हैं कि 10 साल बाद क्या क्या होने वाला है, तो अभी से वो क्या उतने आगे की सोच करके काम नहीं हो पा रहे हैं? जो मैं तो सिर्फ आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूं, क्या आम आदमी की के लिए, उनकी सेहत के में सुधार के लिए बहुत सारे काम बहुत आगे की दृष्टि से नहीं किए जा पा रहे हैं या उसमें बहुत कुछ अभी करना बाकी है? देखिए जो आज जो है कि लोगों ये समझ तो है लोगों में, और मैं डिपार्टमेंट और पॉलिसी लेवल की बात कह रही हूँ कि करना क्या है, काफी एक्शन प्लान्स बन चुके हैं, एक्शन प्लान की कोई कमी नहीं है। पर हम जो देख रहे हैं कि वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आज इंस्टीट्यूशंस में जो कैपेसिटी हमें बनानी है, जो रिसोर्सेस हमें लानी है, वो ठीक से उसकी डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि हर विंटर पे दिल्ली सरकार कहती है कि मैंने ऐप बनाया है, वॉर रूम बनाया है और जहां पर भी लोग कुछ भी पोल्यूटिंग एक्टिविटीज देखते हैं वो कंप्लेन करें और हम उस पर कदम लेंगे। अच्छी बात है और काफी कंप्लेन जाती है सरकार के पास। पर अभी हाल ही में जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने आंकड़े निकाले उसके ऊपर, तो दिख रहा है कि जितना कंप्लेन्स गई हैं डिपार्टमेंट्स के तरफ से सिर्फ 11% कंप्लेन्स को वो डील कर पाए। तो इसमें एक जो कैपेसिटी की बात है कि इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी, उसको भी हमें देखना होगा। एनफोर्समेंट कहना आसान है पर एनफोर्समेंट के लिए जो अथॉरिटी पावर, जो डिटेलिंग की जरूरत होती है, जो लोगों की जरूरत होती है, इंस्पेक्टर्स की जरूरत होती है, वो नहीं है। और लोगों में जो डर आना चाहिए कि प्रदूषण हम नहीं करेंगे, उसके लिए भी जो पेनल एक्शन और भी बाकी जो कदम हमको लेना चाहिए वो भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि आपने जो आखिरी सेंटेंस कहा है कि लोगों में जो डर आना चाहिए, क्या दिल्ली या पूरे देश की बात करें, क्योंकि दिल्ली नहीं है, ठीक है कि कुछ दिल्ली बहुत, उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, या गाजियाबाद या नोएडा या गुड़गांव, इन सब का घनत्व ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे निकलेंगे फिर कुछ जगह घनत्व ज्यादा होगा, कुछ जगह कम होगा और उसी हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या लोग मतलब जो लोगों का रवैया है वो भी इसमें बहुत प्रभावी है, लोगों का रवैया ही बहुत खतरनाक है
वो कई बार ऐसा लगता है कि खुद इनवाइट करते हैं या जानबूझ के टालो, क्या फर्क पड़ता है, वाली मुद्रा में रहते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के निर्माण का काम मामला हो, चाहे वो जलाने का मामला हो खुले वाले में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जो ये तो हमने देखा है कि जब ये पब्लिक ग्रीवेंसेस जो आती हैं तो वो तो यही दिखाता है कि किस तरीके से लोग जब कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य कर रहे हैं वहां पे धूल को घटाने के लिए जो उपाय उनको अपनाने हैं वो नहीं अपना रहे हैं। जो जो जलाया जा रहा है सारी गंदगी हर जगह, उसको वो खुद कर रहे हैं जो उसके बारे में लोग इनडिफरेंट हैं। तो ये तो जरूर बात है कि हमें इनको एक कहीं पे ये जागरूकता हमें आज लानी है, पर सिर्फ जागरूकता से भी नहीं होता, जागरूकता और उनको और कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना भी बहुत जरूरी है कि अगर कहीं पे गंदगी अगर इकट्ठा हो रहा है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो लोग तो आग जलाएंगे फिर, क्योंकि कब तक वो वहां पे पड़ा रहेगा वो गंदगी। तो ये एक डबल एजेड प्रॉब्लम है, पर जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। और हम काफी ये भी सुनते हैं कि फाइन किया जाएगा, पेनल्टी लगाया जाएगा अगर कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, पर अगर टू पोल्यूट और टू पे द फाइन, ये दोनों में अगर टू पोल्यूट अगर चीपर है, उसकी कॉस्ट अगर कम है देन द फाइन, तो उसमें तो कोई इंसेंटिव ही नहीं बनता फिर, तो होगा कि ठीक है पे द फाइन एंड पोल्यूट, वो एक लेना होगा, राइट। तो ये पूरा एक सिस्टम चेंज के बारे में बात हो रही है आज, और हमें यही चाहेंगे कि अब जो शोर मच रहा है, ये जो प्रेशर बन रहा है, लोगों में जागरूकता तो आ रही है आज दिल्ली में कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप शहर को ही बंद कर दो, तो इससे कुछ हद तक एक प्रभाव तो जरूर होगा। और इससे अगर अब बोर्ड सिस्टम चेंजेस की जो बात हो रही है, यही हम चाहेंगे कि अभी बहुत जल्दी आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया चलो जाओ दो दिन के लिए बंद कर दो, इमरजेंसी है। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है इस तरीके से बंद कर पाना? क्या ये कोविड की तरीके से, जैसे जब कोविड फैला था तो ये बात हुई थी कि शहर बंद हो गए थे, क्या ये संभव है? और क्या या ये होगा कि नहीं नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट अफसर जाएंगे, चाहे वो केंद्र के हो, चाहे राज्य के हो, चाहे बाकी और जगह के हो, और कहेंगे नहीं साहब हम ये कदम करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अभी तो जो स्थिति है इसको तो हम हेल्थ इमरजेंसी कहेंगे, तो अगर अभी कोई इमरजेंसी एक्शन लिया जा रहा है तो वो तो ड्रास्टिक होगा, पर शहर बंद करना कोई तो सोल्यूशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा और वो कुछ चाहेगा भी नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप आज इमरजेंसी मीटिंग कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। अब पता चलेगा सोमवार को कि क्या इमरजेंसी एक्शन के बारे में चर्चा हो रही है, पर शहर बंद करना ऑब्वियसली वो तो डिजायरेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब लॉकडाउन के समय था और ये बहुत भारी पड़ता है जो गरीब हैं, जो श्रमिक श्रेणी के लोग हैं, तो हमें उनके बारे में जो एनवायरमेंटल जस्टिस की बात जो बात होती है उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पर यही तो इसी से जो आता है कि सिर्फ हम इस बार देखें कि शोर सिर्फ जब तक स्मॉग एपिसोड चल रहा है, शोर सिर्फ तभी ना मचे, शोर को आगे बढ़ाना है, पूरी पूरी जो साल भर हमें ये शोर चाहिए ताकि जो हम सिस्टम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। निश्चित रूप से अगर हमें पोल्यूशन से थोड़ी सी भी राहत पानी है, और राहत पानी ऐसा नहीं है, दिल्ली में तो बहुत बर्बादी देखी है। आज से 20 साल पहले जब बसेस चलती थी डीजल की बसें, तब तो बहुत ही बुरा हाल होता था, हम सब लोगों ने बहुत उस त्रासदी को देखा है। मेट्रो चलने के बाद और नियम कानून डीजल की गाड़ियों पर रोक लगने के बाद बहुत कुछ हल हुआ है, बहुत कुछ स्थितियां भी सुधरी हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के बाद, और जैसा कि आप बता रही हैं 1.3 करोड़ यानी कि जितनी आबादी है लगभग उसकी आधी गाड़ियां हैं, यहाँ आदमी घर में रहते हैं 3 गाड़ियां हैं 5, वो सब है ठीक, चलते 2 पे हैं 3 पे हैं वो होगा, लेकिन जो सिस्टम और उसको बने होने चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी ना आने पाए, आपातकाल ना आने पाए, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन कर दीजिए, लॉकडाउन की स्थिति ना आने पाए, इसके लिए लगातार सतत काम करना होगा, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। अगर दिल्ली वालों का भला चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत लग करके इस दिशा में काम करना होगा। बहुत बहुत आभार आपका
मिस राय चौधरी जी, और आपने बहुत कुछ बातें साफ की हैं। देखना आपने पाला जो गेंद तो अब सरकार के पाले में है कि क्या करती है और किस तरीके के निर्देश देती है। दिल्ली वालों को तो उसका पालन करना चाहिए, और दिल्ली वालों को सिर्फ ये तो कर ही सकते हैं कि अपनी तरीके से अपने मतलब अपनी लापरवाही नहीं करें, अपनी सेहत के लिए खासतौर से अपने घर में रहें ज्यादातर और बंद करके रहें, वो ज्यादा जरूरी है। और जलाने वगैरह के अगर कोई लोग जलाते हैं तो वो ना जलाएं फालतू का, या फालतू का कूड़ा ना फेंकें। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।